तब तक जिंदा है रहना, तब तक जिंदा है रहना। ये बहुत ही प्यारा हमारे भाई दिला ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो डैडी बीट्स, और वीडियो जो फिल्माया है वो सीएम शर्मा जी ने किया है। और एक बहुत ही प्यारी बिटिया नन्ही सी गुड़िया, जिसने बहुत अच्छे पंजाब के सिंगर्स गैरी संधू, जी खान, रणबीर और भी अन्य कलाकारों के साथ काफ़ी अच्छा अभिनय किया उसमें। और बाकी सुनील भट्टी जी आज मेरे मित्र हैं, आए हैं, तो ये भी कुछ आप हम आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले आपके कोई सॉन्ग वगैरह या कोई भजन वगैरह? इससे पहले मेरा कान्हा तेरी मुरली भजन आया था, जिसमें मुझे बहुत बहुत प्यार मिला, जनता ने, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। तो अब भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जिंदा रहना मेरा ये सॉन्ग है, इसको भी ये सभी इतना ही प्यार देंगे। संगीत के क्षेत्र में आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे? जर्नी का मेरा ऐसा है सर कि मुझे बचपन से ही मतलब संगीत में बहुत रुचि थी मेरी, तो संगीत की रुचि है ये मुझे मेरी माता जी से इसकी मुझे प्रेरणा मिली है। और मेरे जो दादाजी होते थे वो बहुत अच्छे मुरली वादक थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे। परिवार से ही मतलब शुरू से ही ये चीज़ें हैं। मेरे नाना जी होते थे वो बहुत अच्छे संगीतकार थे, तो मतलब मेरा बचपन से मेरा ये एम था कि मुझे इसमें बॉलीवुड में मुझे जाना है, मुझे इस फील्ड में अपने सॉन्ग को मुझे इस मतलब इस मुकाम तक मुझे पहुंचना है कि आज मतलब मैं अपने शब्दों पे मैं बयान नहीं कर सकता है कि मुझे कितनी खुशी है। जो तो मेरे मित्र संजीव पराशर जी, इन्होंने नया गाना जिंदा है रहना है और कि उसमें भी मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके गाने के लिए। और मैं आपको कहूँगा कि बहुत अच्छा गाना है और काफ़ी सुरीला गाना है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं ये कहूँगा कि मुंबई में जो गाने रिकॉर्ड होते हैं बिल्कुल उसी के